हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी के मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो में। और हम डिस्कस कर रहे हैं अक्टूबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस सीरीज़ का ये तीसरा और आखिरी वीडियो है। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के MCQ। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2020। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो अभी हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, और ये एनुअली जारी किया जाता है हर साल। और इस साल भारत की रैंक है 4th, यानी भारत एशिया की चौथी सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 मनाया गया। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, यानी विश्व सांख्यिकी दिवस। और कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये है विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, और एक होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ओके, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और ये मनाया जाता है भारत में 29 जून को। तो दोनों ही दिन अलग अलग हैं, ओके, कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होइएगा। तो इस साल इसके लिए थीम रखी गई थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट, ओके। उसके साथ ही 20 अक्टूबर को एक और दिन मनाया गया, वो था वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ओके, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। और इसके लिए थीम रखी गई थी दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $177 मिलियन $ लोन फॉर महाराष्ट्र रोड इम्प्रूवमेंट्स। किस बैंक ने महाराष्ट्र सड़क सुधार के लिए $177 मिलियन $ का ऋण स्वीकृत किया है। तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में महाराष्ट्र की सड़कों के इम्प्रूवमेंट के लिए $177 मिलियन $ के लोन को स्वीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च आयुष्मान सहकार स्कीम फॉर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन इंडिया। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत किसने की है। तो अभी हाल ही में भारत के यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है आयुष्मान सहकार नाम की एक योजना। और ये योजना लॉन्च की गई है भारत में जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन डेनिशा डेनमार्क ओपन 2020। डेनिशा डेनमार्क ओपन 2020 किसने जीता है। तो ये जो डेनिशा डेनमार्क ओपन है, ये एक बैडमिंटन की चैम्पियनशिप हुई थी अभी, और ये हुई थी डेनमार्क में, ओके। तो इसे जीता है हाल ही में, वुमेन सिंगल कैटेगरी में जीती हैं नोजोमी ओकुहारा, ओके, वुमेन सिंगल में जीती हैं नोजोमी ओकुहारा, और इन्होंने हराया है कैरोलिना मैरिन को। और मेंस सिंगल में बात करें तो मेंस सिंगल में जीते हैं आंदर्स एंटोनसेन, ओके, आंदर्स एंटोनसेन, और इन्होंने फाइनल में हराया है रैसमस गेमके को। और नोजोमी ओकुहारा जो हैं ये जापान की हैं, और एंडर्स एंटोनसेन जो हैं ये डेनमार्क के ही हैं। तो एक बार इस लिस्ट में देख लीजिए जो भी विनर्स की कैटेगरी है और उनके नाम्स। तो वुमेन सिंगल में नोजोमी ओकुहारा जापान की, मेंस सिंगल में आंदर्स एंटोनसेन डेनमार्क के, मेंस डबल जीता है मार्कस एलिस और क्रिस लैंग्रिज जो कि इंग्लैंड के हैं, वुमेन्स डबल में जीते हैं यूकी फुकुशिमा और उनके साथ ही सयाका हिरोटा जो कि जापान की हैं दोनों, और मिक्स डबल में जीते हैं मार्क लैम्सफुस और उनके साथ ही इसाबेल हर्ड्रिच जो कि जर्मनी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द इंडियाज़ फर्स्ट लॉजिस्टिक पार्क बी सेटअप। भारत का पहला लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा असम में, और इस पार्क का जो एस्टिमेट कॉस्ट रखा गया है ये है 694 करोड़ रुपीज़, यानी 694 करोड़ रुपए का खर्च आएगा इसमें। और इसके लिए जो आधारशिला है वो रखी है नितिन गडकरी जी ने, ओके, नितिन गडकरी जी ने। और इस पार्क के बन जाने से लोगों के बीच एयर में, रोडवेज़ में, रेलवेज़ में और वाटरवेज़ में हर तरफ से कनेक्टिविटी को और भी बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयोग विल इस्टेब्लिश द इंडियाज़ फर्स्ट फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ क्लाउड इनोवेशन सेंटर। भारत का पहला फ्रंटियर टेक्नोलॉजी
क्लाउड इनोवेशन सेंटर कौन सा आयोग स्थापित करेगा? तो नीति आयोग करेगा भारत का पहला फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट द हींग कल्टिवेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली? हाल ही में किस भारतीय राज्य में हींग की खेती शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में की गई है शुरुआत, सबसे पहले हींग की खेती की भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टार्टअप हैज़ लॉन्च्ड मू पे फॉर डेयरी फार्मर्स इन राजस्थान? राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए किस स्टार्टअप ने मू पे लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में आई आई टी मद्रास की स्टार्टअप है एक स्टेल ऐप्स ने लॉन्च किया है ये मू पे। और ये जो मू पे है ये एक तरह का पेमेंट गेटवे है जो कि लॉन्च किया गया है डेरीज और डेरीज फार्मर्स के लिए। तो इस मू पे पेमेंट गेटवे का यूज़ करके जो डेरी ऑफिशियल्स हैं, तो जितने भी डेरी के मेंबर्स हैं या फार्मर्स हैं डेरी से रिलेटेड, तो उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे भेज सकते हैं डिजिटली। और जो स्टेल ऐप्स है ये एक डेरी टेक कंपनी है, डेरी टेक कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और यहाँ के सीईओ हैं रंजीत मुकुंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन द विश्वेश्वरैया अवार्ड ड्यूरिंग द थर्ड असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा के दौरान किस देश ने विश्वेश्वरैया पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी असेंबली हुई थी और यहाँ पे सबसे पहली बार इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अवार्ड घोषित किए गए हैं। तो उनमें से एक कैटेगरी थी विश्वेश्वरैया अवार्ड की और यहाँ पे जीता है जापान ने और नीदरलैंड्स दोनों ने। तो जापान को मिला है विश्वेश्वरैया अवार्ड एशिया पैसिफिक रीजन में और नीदरलैंड्स को मिला है विश्वेश्वरैया अवार्ड यूरोप के रीजन में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एशिया पैसिफिक में मिला है जापान को और यूरोप में मिला है नीदरलैंड्स को। अकॉर्डिंग टू इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स विच स्टेट हैज़ अट्रैक्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2019? भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार किस राज्य ने 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है? तो अभी हाल ही में इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स जारी की गई है और उस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है अपनी तरफ 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल शेफ्स डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड? निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस 2020 मनाया गया? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल इंटरनेशनल शेफ्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस। तो इस साल के लिए थीम रखी गई थी हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। ये थीम जरूर से याद रखिएगा, थीम इंपॉर्टेंट होती है, हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 18th मीटिंग ऑफ SCO प्रोसिक्यूटर जनरल? SCO अभियोजकों की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो SCO है वहाँ के प्रोसिक्यूटर जनरल की मीटिंग हुई, 18वीं मीटिंग थी इस बार, और यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया है तुषार मेहता जी ने। और ये जो मीटिंग है ये वर्चुअली हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 44th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2020 के 44वें संस्करण में भारत का रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 रिपोर्ट है इसका 44th एडिशन जारी किया गया है और वहाँ पर भारत है दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इंडिया US जापान मालाबार एक्सरसाइज? भारत अमेरिका जापान मालाबार अभ्यास में कौन सा देश भाग लेगा? तो अभी हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है और ऑस्ट्रेलिया भी इस साल जो इंडिया US जापान की मालाबार एक्सरसाइज होती है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करेगा और ये पहली बार होगा जब ये क्वाड देशों की एक्सरसाइज होगी। यानी आपने सुना होगा क्वाड जो ग्रुप बना है इंडिया का, USA का, जापान का और साथ ही में ऑस्ट्रेलिया का। तो ये चारों ही कंट्री इस साल मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे और ये पहली बार होगा जब क्वाड कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगे किसी एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मच परसेंटेज डज द गवर्नमेंट हैव इंक्रीज द इलेक्शन कैंपेन एक्सपेंडिचर लिमिट?
हाल ही में सरकार ने चुनाव प्रचार खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ाया है? तो अभी हाल ही में सरकार ने फैसला लिया है कि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते जो इलेक्शन कैंपेन में एक्सपेंडिचर लिमिट होता था उसमें 10% और ज़्यादा इंक्रीमेंट किया जाएगा, यानी जो चुनाव प्रचार में जो खर्च किया जाता था उसमें 10% का और इंक्रीमेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बैग गोल्ड मेडल इन शेख रसेल इंटरनेशनल एयर चैम्पियनशिप 2020? शेख रसेल इंटरनेशनल एयर चैम्पियनशिप 2020 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो ये ऑर्गेनाइज कराया गया था बांग्लादेश में, बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी BSSF के द्वारा। और यहाँ पे जो भारत की एला वेनिल वेलरीवन हैं, इन्होंने वीमेंस की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और मेंस की कैटेगरी में बात करें तो जापान के नाओया ओकाडा ने जीता है गोल्ड मेडल, और भारत की तरफ से साहू तुषार माने ने जीता है सिल्वर मेडल। तो ये जो इवेंट था एक 60 शॉट कॉम्पिटिशन था जिसमें 6 कंट्रीज से शूटर आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि है बांग्लादेश, इंडिया, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया और भूटान। तो इन 6 कंट्रीज़ के शूटर ने पार्टिसिपेट किया और इसको होस्ट किया गया था बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 9th सेशन ऑफ इंडिया ओमान ज्वाइंट कमीशन? भारत ओमान संयुक्त आयोग के 9वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री हरदीप सिंह पुरी जी ने भारत को रिप्रेजेंट किया है हाल ही में हुई इंडिया ओमान ज्वाइंट कमीशन के 9th सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन इन्वाइटेड बाई इंडिया टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन नॉर्थ ईस्ट? उत्तर पूर्व में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए भारत ने किस देश को आमंत्रित किया है? तो भारत ने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके को आमंत्रित किया है कि वो आएँ और जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का सेक्टर है वहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड 2020 रिपोर्ट? किस संगठन ने द कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड 2020 रिपोर्ट जारी की है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जारी किया है द कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड 2020 रिपोर्ट। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स? अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो अभी हाल ही में अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स जारी किया गया है और इस इंडेक्स में हरियाणा टॉप पे है। और अनीमिया क्या होता है? अनीमिया एक मेडिकल कंडीशन होती है जहाँ पे जो ब्लड है उनमें रेड ब्लड सेल्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं, तो इस कारण से जो पर्संस हैं उनमें खून की भी कमी हो जाती है। और रेड ब्लड सेल्स में कमी के अलावा जो रेड ब्लड सेल्स होता है उनके फंक्शन में भी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसी मेडिकल कंडीशन को कहा जाता है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस फोरम रिसेंटली? हाल ही में किस देश के साथ भारत ने बिजनेस फोरम का आयोजन किया है? तभी हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच में बिजनेस फोरम ऑर्गेनाइज कराया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट एवर खादी फैब्रिक फुटवेयर ऑफ इंडिया? भारत के पहले खादी फैब्रिक जूते किसने लॉन्च किए हैं? तो अभी हाल ही में MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है भारत के पहले खादी फैब्रिक जूते यानी खादी फैब्रिक फुटवेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ नाटो सेट अप अ न्यू स्पेस सेंटर? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का नया अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नाटो का नया एक स्पेस सेंटर स्थापित किया जाएगा रैमस्टेन में, और ये रैमस्टेन कहाँ है? ये है जर्मनी में। तो जर्मनी के रैमस्टेन में स्थापित किया जाएगा नाटो का एक नया स्पेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो? सैन मरीनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नीना मल्होत्रा जो कि इटली में अभी प्रेजेंट में कार्यरत हैं भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, उन्हें रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो में भी भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2, नीना मल्होत्रा इज़ द करेक्ट आंसर। उसके अलावा जो राहुल श्रीवास्तव जी हैं ये रोमानिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं, और रोमानिया के साथ ही साथ कुछ ही दिनों पहले इन्हें अल्बानिया अल्बानिया में भी भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। जो जयदीप मजूमदार हैं ये वैसे तो ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं, और कुछ दिनों पहले इन्हें ऑस्ट्रिया के साथ साथ होली सी में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है।
और जो रविश कुमार जी हैं ये फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त थे, और कुछ ही दिनों पहले इन्हें फिनलैंड के साथ ही साथ एस्टोनिया में भी भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो जो सैन मरीनो है, यहाँ की कैपिटल है सैन मरीनो ही, के कैपिटल का नाम भी है सैन मरीनो, और करेंसी है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शिप हैज़ बीन कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम रिसेंटली। हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में किस जहाज़ को सेवा में लाया गया है? तो अभी हाल ही में INS कावारत्ती को कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में, और कहाँ पे कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, INS कावारत्ती को विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ बीन सेलेक्टेड बाई नासा टू बिल्ड 4G LTE नेटवर्क ऑन द मून। चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क बनाने के लिए नासा ने किस कंपनी को चुना है? तो अभी हाल ही में नोकिया को चुना है नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क बनाने के लिए। तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा 4G LTE, और मोबाइल पे भी देखा होगा ऊपर LTE लिखा रहता है। तो LTE का मतलब क्या होता है? तो LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये 4G को कहा जाता है LTE, और इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और अब तो देखा होगा आपके मोबाइल पे ऊपर लिखा रहता है वोल्ट। तो वोल्ट का मतलब क्या होता है? तो ये कॉलिंग फैसिलिटी होती है एक, इसका फुल फॉर्म होता है LTE, तो यही होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और VO का मतलब होता है वॉइस ओवर, ओके, वॉइस ओवर LTE, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल स्टटरिंग डे वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्टटरिंग दिवस मनाया गया? तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टटरिंग क्या होता है। तो स्टटरिंग एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे लोग हकलाते हैं, बात करते करते इंसान फंबल हो जाता है, किस चीज़ों में अटक जाता है, उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, तो इसको बोलते हैं स्टटरिंग, यानी सिंपल सी भाषा में कहें तो हकलाना। तो इसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए अभी 22 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल स्टटरिंग डे, ओके, 22 अक्टूबर। और इसके लिए थीम रखी गई है जर्नी ऑफ वर्ड्स, रिजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 1 hour 5 minutes 16 seconds एट वर्ल्ड एथलेटिक हाफ मैराथन चैम्पियनशिप 2020। वर्ल्ड एथलेटिक हाफ मैराथन चैम्पियनशिप 2020 में 1 hour 5 minutes 16 seconds का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अभी हाल ही में केन्या की रनर हैं पेरिस जेप चिरचिर, के पेरिस जेप चिरचिर, इन्होंने बनाया है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 hour 5 minutes 16 seconds का, कहाँ पे? वर्ल्ड एथलेटिक हाफ मैराथन चैम्पियनशिप 2020 में। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और ये रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। इसके पहले उनका जो बेस्ट टाइम था 1 hour 5 minutes 34 seconds का था, जो कि उन्होंने बनाया था प्राग में। और अभी हाल ही में ये जो वर्ल्ड एथलेटिक हाफ मैराथन चैम्पियनशिप हो रही है 2020 की, ये हो रही है गिडेनिया में, गिडेनिया जो कि पोलैंड में है, और यहाँ पे उन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 18 सेकंड का अंतर आया है। तो इनका अब जो नया टाइमिंग है ये है 1 hour 5 minutes 16 seconds का, और उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। और ये हैं कहाँ की? ये हैं केनिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थर्ड सोगा 2020 रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड हाईएस्ट एयर पोल्यूशन एक्सपोजर ग्लोबली इन 2019। तीसरी सोगा 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2019 में विश्व स्तर पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण जोखिम दर्ज किया है? तो अभी हाल ही में तीसरी सोगा 2020 रिपोर्ट जारी की गई है पोल्यूशन को लेके, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में विश्व स्तर पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण जोखिम दर्ज करने वाला देश बना है। विच प्लेस हैज़ बिकम फर्स्ट रामसार साइट ऑफ उत्तराखंड। कौन सा स्थल उत्तराखंड का पहला रामसार साइट बन गया है? तो अभी हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व बन गया है उत्तराखंड का पहला रामसर साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में साद हरीरी, ओके, साद हरीरी बने हैं प्राइम मिनिस्टर लेबनान के। तो एक्चुअली में ये पहले भी लेबनान के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन पिछले साल हुए प्रोटेस्ट के कारण इनको अपना पद छोड़ना पड़ा था, और उनकी जगह फिर मुस्तफ़ा आदिब बन गए थे नए प्रधानमंत्री लेबनान के। लेकिन कुछ ही दिनों पहले मुस्तफ़ा आदिब ने भी अपना पद छोड़ दिया, तो अब वापस से साद हरीरी को
लेबनान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ज्वाइंड द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एज 190th मेंबर। कौन सा देश 190 सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हुआ है? तो IMF आप जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अभी इसमें 189 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन अब रिसेंट में अंडोरा या यूं कहे प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंडोरा बना है 190th मेंबर। किसका? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब टोटल मेंबर्स हो गए हैं 190 इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में, और कई बार पूछ लेता है कि जो सबसे लेटेस्ट मेंबर ज्वाइन किया है उसका नाम क्या है। तो अभी सबसे लेटेस्ट ज्वाइन किया है प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा ने। तो अगर अंडोरा की बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जेवियर एस्पोर्ट ज़मोरा, कैपिटल है अंडोरा ला वेला और करेंसी है यूरो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो एंडोरा है ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, ओके। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो यहाँ की MD हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, और हेडक्वार्टर इसका Washington DC USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सुशील कुमार सिंघल जी को नियुक्त किया गया है सोलोमन आइलैंड्स में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में, ओके। एम्बेसडर की जगह यहाँ पे हाई कमिश्नर होगा, तो सुशील कुमार सिंघल जी सोलोमन आइलैंड्स में हाई कमिश्नर बने हैं भारत के अगले। और ये इससे पहले या इसके साथ ही PNG जो है यानी पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे भी भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त हैं। तो याद रखिएगा पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड्स दोनों ही जगह ये हाई कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस्ड द वर्ल्ड बैंक IMF एनुअल मीटिंग 2020 रिसेंटली। हाल ही में विश्व बैंक IMF की वार्षिक बैठक 2020 को किसने संबोधित किया है? तभी हाल ही में यूनियन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने संबोधित किया है विश्व बैंक और IMF की वार्षिक बैठक 2020 को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट असम अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर एट दबी दुबी में भारत के पहले असम आगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की आधारशिला किसने रखी है? तो अभी हाल ही में असम के चीफ मिनिस्टर सर्वनंदा सोनोवाल जी ने भारत के पहले असम अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी है और इसकी स्थापना की जाएगी दबी दुबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड माइक्रो ATM इन शिलोंग फॉर बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के लिए शिलोंग में माइक्रो ATM का शुभारंभ किसने किया है? तभी हाल ही में मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा जी ने शिलोंग में माइक्रो ATM का उद्घाटन किया है, उसे लॉन्च किया है और उसे शुरू किया गया है वहाँ पे, जो वहाँ के ग्रामीण इलाके हैं रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ LG सिग्नेचर ब्रांड के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो LG तो आपने सुना ही होगा, तो LG का ही एक होम सॉल्यूशन ब्रांड है जिसका नाम है LG सिग्नेचर, और इसी LG सिग्नेचर ब्रांड के लिए LG ने जो F1 के वर्ल्ड चैम्पियन हैं लुइस हैमिल्टन को चुना है LG सिग्नेचर के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड ई धरती जियो पोर्टल टू इंटीग्रेट मैप्स एंड लीज प्लान्स। नक्शे और पट्टे योजनाओं को एकीकृत करने के लिए ई धरती जियो पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया है ई धरती जियो पोर्टल, और इसे लॉन्च किया गया है जो मैप और लीज प्लान्स हैं उनको आपस में इंटीग्रेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम। हाल ही में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य ने लागू की है? तभी हाल ही में तमिलनाडु ने लागू किया है अपने राज्य में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है यह स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम, और ये स्कीम लॉन्च की गई है तमिलनाडु के लगभग 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में, और इसे लॉन्च किया गया है ताकि जो वहाँ पे टीचिंग का एनवायरनमेंट है, पढ़ाई का एनवायरनमेंट है, उसे और भी बेहतर बनाया जाए। ओके, हु हैज़ इनॉग्रेटेड किसान सूर्योदय योजना फॉर द फार्मर्स इन गुजरात। गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किसानों के लिए वहाँ पे किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट यूनाइटेड नेशंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया? तो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस डे,
और इस साल ये जो यूनाइटेड नेशंस डे है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इसकी 75th एनिवर्सरी है। ओके, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल यूनाइटेड नेशंस डे। तो 24 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है ये यूनाइटेड नेशंस डे? तो 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशंस की। ओके, उसके बाद 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस डे। तो जो यूनाइटेड नेशंस है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया गया था पूरे विश्व भर में शांति कायम रखने के लिए, के ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने के लिए, इसके अलावा विश्व में डेवलपमेंट करने के लिए। तो 2020 में अब इसकी 75th एनिवर्सरी पड़ रही है यूनाइटेड नेशंस की, तो इसलिए इस बार ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक्चुअली में जो यूनाइटेड नेशन है इसके लिए चार्टर साइन किया गया था 26 जून 1945 को। ओके, शुरू में 50 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ने चार्टर साइन किया था और उस टाइम पे पोलैंड ने इस चार्टर को साइन नहीं किया था, लेकिन कुछ ही समय बाद पोलैंड ने भी इस चार्टर को साइन कर दिया। और तब से कहा जाता है कि जो ओरिजिनल पूछा जाता है कि ओरिजिनल कितने मेंबर स्टेट हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो आंसर होगा 51। ओके, ओरिजिनली 51 मेंबर स्टेट्स हैं, 50 कंट्रीज़ ने शुरू में ही साइन किया था 26 जून 1945 को और पोलैंड ने बाद में किया था। तो 26 जून 1945 को चार्टर तो साइन हो गया था, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन है इसको ऑफिशियली ये एग्जिस्टेंस में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसीलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। और यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो स्थापना तो मैंने बता दी 1945 में की गई थी। यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं प्रेजेंट में एंटोनियो गुटेरेस, हेडक्वार्टर है इसका यूएसए के न्यूयॉर्क में, और मेंबर हैं अभी प्रेजेंट में 193। ओके, 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। फिर यहाँ पर एक बात आती है कि ये ऑब्जर्वर्स क्या होते हैं। तो ऑब्जर्वर होते हैं जो परमानेंट मेंबर नहीं होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो वहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वो जो भी उनकी मीटिंग होती है तो वहाँ पे वो जाके अटेंड कर सकते हैं ऑब्जर्वर। ओके, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ऑब्जर्वर स्टेट्स। तो 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर्स हैं। और 24 अक्टूबर को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, ये है वर्ल्ड पोलियो डे। तो ये भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड पोलियो डे यानी विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और कई बार एग्ज़ाम में थीम भी पूछता है, तो इस साल इसके लिए थीम थी अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट टू शोकेस मिनिएचर पेंटिंग्स। लघु चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म इंडिपेंडेंट चार्ज जो कि हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, इन्होंने लॉन्च किया है वर्चुअली लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट। ओके, तो ये लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट क्या है? तो इसमें कई सारी लगभग 100 या उससे भी ज़्यादा मिनिएचर पेंटिंग्स हैं जो कि नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम से हैं, उन्हें शोकेस किया जाएगा गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप पे। ओके, तो आपने देखा होगा इस समय वर्चुअल रियलिटी चल रही है, ऑगमेंटेड रियलिटी चल रही है, तो उसी का यूज़ करके ग्लासेस के थ्रू वर्चुअली जो पूरे विश्व भर में लोग हैं वो इन पेंटिंग्स का, मिनिएचर पेंटिंग्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं ऑनलाइन ही। तो इसमें कई तरह की पेंटिंग्स दिखाई जाएंगी जो कि अलग अलग तरह की स्टोरीज़ बताएंगी, कहानियाँ बताएंगी, जैसे कि नेचर से रिलेटेड, नेचर के अलावा लव, क्रिएशन, ओके, फेथ और पावर। ओके, तो इनसे रिलेटेड अलग अलग टाइप की मिनिएचर पेंटिंग्स जो कि नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में है उनका शोकेस किया जाएगा वर्चुअली। तो इसीलिए ये लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बैक टॉप पोजीशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मंडी। ओके, मंडी डिस्ट्रिक्ट ने, हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप पोजीशन हासिल किया है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस्ड फर्स्ट एवर मिनिस्टेरियल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप? G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक को किसने संबोधित किया है? तो अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज कराई गई थी G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, और इस मीटिंग को एड्रेस किया है यानी संबोधित किया है जितेंद्र सिंह जी ने। ओके, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने एड्रेस किया है इस मीटिंग में, और इस मीटिंग की अध्यक्षता की गई थी यानी होस्ट किया था इस मीटिंग को सऊदी अरेबिया ने। ओके, सऊदी अरेबिया। तो इस साल
सऊदी अरेबिया के पास प्रेसिडेंसी है G20 की, तो जितने भी इवेंट्स हैं सऊदी अरेबिया ही होस्ट कर रहा है, और क्योंकि ये मीटिंग सबसे पहली बार हुई है तो इसलिए G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की सबसे पहली मीटिंग को होस्ट करने वाला पहला देश बना है सऊदी अरेबिया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयर पर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है भारत को इस साल, और ये मिली है 35 सालों के बाद। ओके, 35 सालों के बाद मिली है भारत को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप, और ये चेयरपर्सन बने हैं अपूर्व चंद्रा। ओके, भारत के अपूर्व चंद्रा बने हैं चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के, और इनका कार्यकाल होगा अक्टूबर 2020 से ले के अगले साल यानी जून 2021 तक, तो ये भी याद रखिएगा। और बात करें ILO की, तो ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ओके, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, इसमें प्रेजेंट में 187 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम फॉर बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाने के लिए एकीकृत मॉडल कृषि ग्राम योजना किसने शुरू की है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वहाँ पर लॉन्च किया है एकीकृत मॉडल कृषि ग्राम योजना, यानी कि इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा कम्युनिकेशंस के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में कबीर अहमद शाकिर जी को नियुक्त किया गया है टाटा कम्युनिकेशंस के CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में। तो इसके पहले ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में CFO थे। ओके, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में CFO थे, और जो टाटा कम्युनिकेशन के CFO थी वो थी प्रतिभा के आडवाणी। ओके, प्रतिभा के आडवाणी, तो प्रतिभा के आडवाणी जी ने अपना इस्तीफ़ा दिया है अभी रिसेंट में ही, और उन्हीं की जगह अब कबीर अहमद साकिर जी को नियुक्त किया गया है एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टाटा कम्युनिकेशंस में। और जो राजकिरण राय जी हैं, ये अभी हाल ही में IBA यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन बने हैं। उसके अलावा जो जे वेंकट रामू हैं, ये अभी कुछ ही दिनों पहले जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है यानी IPPB के, ये MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और जो समीर कुमार खरे जी हैं, इन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020-25, किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में कर्नाटका सरकार ने घोषणा की है वहाँ पे नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने की, और वो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020-25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी हैज़ डिप्लॉयड इट्स फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पायलट्स ऑन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, भारतीय नौसेना के किस नौसेना कमान ने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पर अपने पहले महिला पायलटों के बैच को तैनात किया है? तो अभी हाल ही में सदर्न नेवल कमांड, ओके, इंडियन नेवी के सदर्न नेवल कमांड ने इंडियन नेवी की पहली जो वुमेन्स पायलट्स हैं, तो उनका पहला बैच अभी हाल ही में डॉर्नियर एयरक्राफ्ट में उन्होंने डिप्लॉय किया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 सदर्न नेवल कमांड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच स्टेट विल द इंडियाज फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क बी एस्टैब्लिश्ड, भारत का पहला रेड टिब्बा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, ये जो ड्यून है इसका मतलब होता है टिब्बा, टिब्बा यानी कि कोई भी ऊंचाई वाली जगह, कोई भी इंक्लाइंड वाली जगह। तो जो समुद्र होता है उसके किनारे जो रेत रहती है, तो अगर समुद्र के किनारे इंक्लाइंड में रेत को बनाया जाए और वहाँ पे एक पार्क को डेवलप किया जाएगा ऐसे ड्यून बना के, तो उसे कहा जा रहा है सैंड ड्यून पार्क, यानी रेत का एक तरह से पार्क डेवलप किया जाएगा, और ये किया जाएगा गोवा में। ओके, और ये भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क होगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा? गोवा में। तो जो गोवा का बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक को एक प्रपोज़ल भेजा है, और वर्ल्ड बैंक ने
जो प्रोजेक्ट है सैंड ड्यून पार्क, इसके लिए जो प्रपोजल था उसे एक्सेप्ट कर लिया है और वर्ल्ड बैंक की तरफ से 3 करोड़ रुपए मिलेंगे इस सैंड ड्यून पार्क को डेवलप करने के लिए। और ये पार्क डेवलप किया जाएगा गोवा के कोस्टल एरिया में, कहाँ पे? अरेबियन सी में। ओके, गोवा के कोस्टल एरिया में, अरेबियन सी में। और बताया जा रहा है कि जो गोवा का इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ऐसे ड्यून पार्क इस्टेब्लिश करने के लिए, और इससे जो गोवा का है टूरिज़्म है उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और जब टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा तो जाहिर सी बात है स्टेट की भी इनकम, इकोनॉमी बढ़ेगी, सुधरेगी और स्टेट का भी डेवलपमेंट होगा। जो सैंड का इंक्लाइंड वाला पार्ट है इसे कहा जाता है टिब्बा, और इसी तरह से पार्क को डेवलप किया जाएगा, रेत के पार्क को डेवलप किया जाएगा, उसे ही कहा जा रहा है सैंड ड्यून पार्क। तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है सैंड ड्यून पार्क, आप फोटो पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट हैज़ डेडिकेटेड फर्स्ट फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज टू साउथ एशियन कंट्रीज़? किस विभाग ने दक्षिण एशियाई देशों के लिए पहली फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवा समर्पित की है? तो अभी हाल ही में भारत के मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग ने एक फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस को डेवलप किया है और उसे लॉन्च किया है, और इस सर्विस को डेडिकेट किया गया है साउथ एशियन कंट्रीज़ को, और ये शेयर किया जाएगा साउथ एशिया की 5 कंट्रीज़ के द्वारा। तो कौन कौन सी हैं 5 कंट्रीज़? तो सबसे पहले तो इंडिया ही है, इंडिया के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद नेपाल, और नेपाल के बाद भूटान। तो इन 5 एशियन कंट्रीज़, साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये सिस्टम डेडिकेट किया गया है इनको। और इस गाइडेंस सर्विस का काम क्या है? तो जो फ्लड होती है यानी बाढ़ होती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसीलिए उस बाढ़ के बारे में एडवांस में अलर्ट जारी करने के लिए, उसके बारे में चेतावनी देने के लिए इस तरह का सिस्टम डेवलप किया गया है। तो ये बाढ़ आने से लगभग 24 घंटे पहले ही जो है तो अलर्ट कर सकता है रिस्क के बारे में, और इससे बाढ़ के द्वारा होने वाले कई तरह के नुकसान, जैसे कि सामान का नुकसान, कई तरह की जानों का नुकसान, तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है अगर अलर्ट पहले ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ चिल्ड्रन इन मॉनेटरी पॉवर्टी एंड अपडेट एनालिसिस? किस संस्था ने मौद्रिक गरीबी में बच्चों का वैश्विक अनुमान एक अद्यतन विश्लेषण प्रकाशित किया है? तभी हाल ही में यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक ने मिल के प्रकाशित किया है ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ चिल्ड्रन इन मॉनेटरी पॉवर्टी एंड अपडेट, और यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ये उसका पुराना नाम था और अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर पब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम थर्ड अरब कंट्री टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विथ इज़राइल? कौन सा देश इज़राइल के साथ संबंधों को सामान करने वाला तीसरा अरब देश बन गया है? तो अभी हाल ही में सूडान बना है तीसरा अरब देश जो कि इज़राइल के साथ उनका रिलेशन जो है उनको नॉर्मलाइज करेगा, यानी अपने संबंधों को सामान्य करेगा। तो यूएई और बहरीन पहले ही इज़राइल के साथ शांति समझौते पे साइन कर चुके हैं, जो एक यूएस लेड एग्रीमेंट लाया गया था जिसे कहा गया था अब्राहम एकॉर्ड। ओके, ये नाम याद रखिएगा अब्राहम एकॉर्ड, ये उस शांति समझौते का नाम था जिसे साइन किया है यूएई और बहरीन ने इसराइल के साथ, और अब सूडान बन गया है तीसरा देश जो कि इसराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ टाइड अप विद टोयोटा किर्लोस्कर मोटर फॉर व्हीकल फाइनेंसिंग सर्विसेज? वाहन वित्त पोषण सेवाओं के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के साथ किस बैंक ने करार किया है? तभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने टाई अप किया है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के साथ, और इस ये जो टाई अप किया गया है तो जो भी व्हीकल्स खरीदे जाएंगे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर में तो उनके लिए फाइनेंसिंग सर्विसेज देगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, यानी अगर कोई व्हीकल अगर फाइनेंस करवाना चाहता है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर में तो उन व्हीकल्स का फाइनेंस करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ इंस्टीट्यूटेड सुनंदा सम्मान इन मेमोरी ऑफ वोकलिस्ट सुनंदा पटनायक? किस राज्य की सरकार ने गायिका सुनंदा पटनायक की याद में सुनंदा सम्मान शुरू किया है? तभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने वहाँ पे सुनंदा सम्मान शुरू किया है, और ये सम्मान है इसे जो उड़ीसा की लेजेंडरी गायिका थी सुनंदा पटनायक जी, उनकी याद में ये शुरू किया गया है सुनंदा सम्मान, और कहाँ? उड़ीसा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग्स? ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? अभी हाल ही में ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग जारी की गई है और इसे जारी किया है ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल ने, के ओखला जो कि इंटरनेट स्पीड के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा और जाना माना ब्रांड है, उन्होंने ये ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में भारत रहा है 131 पोजीशन पे, यानी 131वां रैंक है भारत का इस स्पीड रैंकिंग में। वहीं बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो इसलिए रैंकिंग में टॉप किया है साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाउंटेन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाउंटेन? किस फव्वारे को दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में दुबई का पाम फाउंटेन है, ओके, दुबई के पाम फाउंटेन को दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा पाम फाउंटेन यानी पाम फव्वारा, और ये है कहाँ, ये है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ हेल्ड अ वर्चुअल मीटिंग विथ मोरक्कन मिनिस्टर नासिर बोरीटा रिसेंटली? हाल ही में मोरक्को के मंत्री नासिर बोरीटा के साथ आभासी बैठक किसने की है? अभी हाल ही में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने, जो मोरक्को के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं नासिर बोरीटा, उनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड की है। हु हैज़ वॉन द पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स 2020? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो F1 रेसिंग आपने सुनी होगी, के फार्मूला 1 यानी F1 रेसिंग का पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स हुआ है 2020 का, और इसे जीता है लुइस हैमिल्टन ने, लुइस हैमिल्टन। और दूसरे नंबर पर रहे हैं वोल्टेरी बोटास, तीसरे पर रहे हैं मैक्स वर्स्टैपन और चौथे पर रहे हैं चार्ल्स लेक्लर्क, और जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज़ के लिए रेस करते हैं। तो जो फार्मूला 1 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, तो पूरे साल भर अलग अलग कंट्रीज़ के ट्रैक्स पे रेसेस होते हैं, और उसके बाद साल के अंत पे जिस भी रेसर्स के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसे वर्ल्ड चैम्पियन माना जाता है। तो प्रेजेंट में जो लुइस हैमिल्टन है वही वर्ल्ड चैम्पियन है। और आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 2020 में जो फार्मूला 1 का वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ है उसमें अभी तक जितने भी रेसेस हुई हैं, तो सबसे पहले जो बहरीन जीपी, वियतनामी जीपी और चाइनीज जीपी, ये तीन रेसेस को पोस्टपोन कर दिया था कोविड-19 के कारण। उसके बाद हुई थी ऑस्ट्रियन जीपी जिसे जीता था वोल्टेरी बोटास ने, स्टीयरमार्क जीपी जीती थी लुइस हैमिल्टन ने, हंगेरियन जीपी जीती थी लुइस हैमिल्टन ने, ब्रिटिश जीपी भी जीती लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी 70th एनिवर्सरी जीपी जिसे जीता था मैक्स वर्स्टैपन ने। उसके बाद हुई स्पेनिश जीपी जिसे जीता लुइस हैमिल्टन ने, बेल्जियन जीपी भी जीती लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई इटालियन जीपी जिसे जीता पियरे गैसली ने। उसके बाद हुई टस्कन जीपी जिसे जीता लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई रशियन जीपी जिसे जीता वोल्टेरी बोटास ने। उसके बाद हुई ईफिल जीपी जिसे जीता लुइस हैमिल्टन ने, और अब हुई है पुर्तगीज जीपी जिसे भी जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू सलाइबरी ग्लैंड्स डिस्कवर्ड एट नीदरलैंड्स कैंसर इंस्टीट्यूट रिसेंटली? हाल ही में नीदरलैंड के कैंसर संस्थान में खोजी गई नई लार ग्रंथियों का नाम क्या है? तभी हाल ही में जो नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में रिसर्च चल रही थी, और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में रिसर्च करते करते वहाँ पे नई तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियों का खोज किया गया है, और उनका नाम दिया गया है ट्यूबेरियल ग्लैंड्स। ओके, साइंस के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, साइंस के सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो नाम ज़रूर याद रखिएगा। उन ग्लैंड्स का नाम दिया गया है ट्यूबेरियल ग्लैंड्स। तो आप फोटो में ये देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है थ्रोट पे यानी गले में, नाक के पीछे गले के ऊपरी हिस्से में ये जो ग्लैंड्स है रेड कलर के, इन्हें ही खोजा गया है और इनका नाम दिया गया है ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी? किस देश की सरकार ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू की है? तभी हाल ही में बांग्लादेश के कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने, तो वहाँ के कैबिनेट ने निर्णय लिया है और नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी वहाँ पे शुरू की गई है। और ये पॉलिसी है क्या, तो जितने भी ऑफिस हैं तो कोई भी पर्सन अगर बिना मास्क के वहाँ पे आता है तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से कोई भी पर्सन अगर बिना मास्क के आता है तो उसे सर्विस भी नहीं दी जाएगी। तो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, सबके बाहर नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा नो मास्क नो सर्विस का, और कोविड-19 के रोकथाम में से मदद मिलेगी। प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी आ रहे हैं तो मास्क का यूज़ करें ताकि कोविड-19 को कंट्रोल करने में आसानी हो, और अगर उन्हें सर्विस लेनी है तो उन्हें मास्क भी लगाना पड़ेगा। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका,
करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट है सिक्योर्ड फर्स्ट टैंक इन डिसबर्सिंग लोन अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है जो पीएम स्वनिधि स्कीम शुरू की गई थी। ओके, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम शुरू की गई थी उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए, और उसी स्कीम के अंडर में लोन डिसबर्स करने के लिए यानी जो लोन है उसे देने के लिए, बांटने के लिए उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज़ मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ वॉन द ब्रूनेल मेडल 2020। किस देश के मांगदेछू जल विद्युत परियोजना ने ब्रूनेल मेडल 2020 जीता है? तो अभी हाल ही में भूटान के मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को दिया गया है ब्रूनेल मेडल 2020। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में भारत ने भी मदद की थी भूटान का। ये एक इंडियन असिस्टेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो इसे ये अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड किंगडम की एक इंजीनियरिंग बॉडी जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर के द्वारा ये ब्रूनेल मेडल 2020 दिया गया है भूटान के मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेलवे डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज हैज़ लॉन्च्ड बैग्स ऑन व्हील सर्विस। उत्तर रेलवे के किस रेलवे डिवीज़न ने बैग ऑन व्हील सर्विस शुरू की है? तो अभी हाल ही में उत्तर रेलवे यानी नॉर्दर्न रेलवेज के दिल्ली डिवीज़न ने शुरू किया है बैग्स ऑन व्हील सर्विस। ओके, बैग्स ऑन व्हील सर्विस किसने दिल्ली डिवीज़न ने शुरू किया है? तो ये जो बैग्स ऑन व्हील सर्विस है ये एक ऐप बेस्ड सर्विस है। ओके, और ये सर्विस है क्या, तो अगर कोई भी पैसेंजर दिल्ली, गुड़गांव और गाज़ियाबाद के कोई भी पैसेंजर अगर दिल्ली, गुड़गांव और गाज़ियाबाद के स्टेशनों से सफ़र कर रहा है बाई ट्रेन, तो जो थर्ड पार्टी है जिसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा इस सर्विस का, तो अगर कोई पैसेंजर दिल्ली, गुड़गांव या गाज़ियाबाद के स्टेशनों से सफ़र कर रहा है तो जो उनका बैगेज होगा, उनका पार्सल होगा, उनका सामान होगा, तो ये थर्ड पार्टी जो है ये बैग्स उठा के उनके कोच तक पहुँचाएगी यानी उसकी डिलीवरी करेगी, उसको ट्रांसफ़र करेगी। और अगर कोई पैसेंजर कहीं और से दिल्ली, गुड़गांव या गाज़ियाबाद आ रहा है तो उस ट्रेन से वो सामान उठा के उसके घर तक पहुंचाएंगे। यानी ये एक तरह से डोर टू डोर सर्विस है बैग्स को और सामान को पहुंचाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच PSU हैज़ टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ इंडियन PSUs अंडर वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 पब्लिश्ड बाई फोर्ब्स। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में भारतीय PSU की सूची में किस PSU ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में जो फोर्ब्स है उन्होंने अपनी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में जो इंडियन PSUs की कैटेगरी है वहाँ पे टॉप किया है NTPC ने। NTPC जिसका पुराना नाम था नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और अब इसे NTPC के नाम से जाना जाता है, तो NTPC ने टॉप किया है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 लिस्ट में। और बात करें NTPC की तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज एम्बेसी विल हैव सेपरेट वाटर अटैचे इन इंडिया फ्रॉम जनवरी 2021। जनवरी 2021 से भारत में किस देश के दूतावास में अलग से वाटर अटैचे होंगे? तो सबसे पहले अटैचे जान लेते हैं क्या होता है। तो अटैचे वर्ड यूज़ किया जाता है जो भी एम्बेसीज़ होती हैं, तो वहाँ के कोई एक ऐसे ऑफिशियल या ऑफिसर जो किसी एक खास डिपार्टमेंट, किसी एक खास प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है अटैचे। और अभी हाल ही में इसराइल, ओके, भारत में जो इसराइल की एम्बेसी है तो वहाँ पे 2021 जनवरी 2021 से अलग से वाटर अटैचे रखे जाएंगे। और इनका काम क्या होगा? तो इनका काम होगा कि जो भी इसराइल की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर में इसराइल की टेक्नोलॉजीज़ हैं तो उसका किस तरह से अच्छी तरह से यूज़ करना है, किस तरह से उसे बेस्ट प्रैक्टिस में लाना है, ये बताएंगे भारत को इसराइल के एम्बेसी के वाटर अटैचे। तो सिंपल सी बात ये है कि जो भी इसराइल की टेक्नोलॉजीज़ हैं और मेथड्स हैं
वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उनका यूज़ भारत में किया जाएगा और इसीलिए ये अलग से वाटर अटैचे को रखा जाएगा जनवरी 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल टू लॉन्च क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्टार्टअप्स IND स्प्रिंग बोर्ड। किस बैंक ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट सुविधा IND स्प्रिंग बोर्ड शुरू करने के लिए IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल के साथ भागीदारी की है? तो अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने पार्टनरशिप की है IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल के साथ, ताकि जो स्टार्टअप हैं उनके लिए एक नई क्रेडिट फैसिलिटी लॉन्च की जाए और उस क्रेडिट फैसिलिटी का नाम दिया गया है IND स्प्रिंग बोर्ड। ओके, तो इंडियन बैंक ने पार्टनरशिप की है IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू ऑपरेशनलाइज पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है यानी PFMS के, ये एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे डेवलप किया गया था ताकि जो गवर्नमेंट्स के द्वारा जो भी स्कीम और प्लान्स लाए जाते हैं और उनके तहत जो भी फंड होते हैं तो उनको ट्रैक करने के लिए ये PFMS एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। और इसी एप्लीकेशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर पर संचालित करने वाला जम्मू और कश्मीर बना है, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, जम्मू एंड कश्मीर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स? सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय मूल के वैबेल राम कलावन के वैबेल राम कलावन को चुना गया है सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में। इसके अलावा जो एमोमाली रहमान हैं, एमोमाली रहमान को अभी हाल ही में तजिकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। जो अलेक्जेंडर लुकासेंको हैं, इनको अभी हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और जो इस्माइल तोरवामा हैं, इन्हें अभी हाल ही में बुगेनविले के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ओके, कहाँ के? बुगेनविले। और सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है वैबेल राम कलावन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज वॉज ऑब्जर्व? निम्नलिखित में से किस तारीख को ऑडियो विजुअल हेरिटेज का विश्व दिवस मनाया गया? तो हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज यानी कि ऑडियो विजुअल का हेरिटेज का विश्व दिवस। तो इस साल इसकी थीम रखी गई है योर विंडो टू द वर्ल्ड। ओके, इसी के साथ भारत में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक और इसके लिए थीम रखी गई है विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया, यानी कि हिंदी में बात करें तो सतर्क भारत समृद्ध भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फर्म हैज टॉप इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020? फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में किस फर्म ने टॉप किया है? तो हाल ही में फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की लिस्ट जारी की गई है और इसमें टॉप किया है सैमसंग ने। ओके, ओवरऑल कैटेगरी में ग्लोबली टॉप किया है सैमसंग ने। वहीं टॉप फाइव में सैमसंग के साथ रही अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और उसके साथ ही LG। तो इस लिस्ट में लगभग 45 कंट्रीज से 750 मल्टीनेशनल कंपनीज को जगह दी गई और भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से सबसे ऊपर रही है HCL और ग्लोबली इसकी रैंक रही है 30वीं। और अगर बैंकों में बात करें तो भारत की तरफ से टॉप किया है HDFC बैंक ने। ओके, HDFC रहा है भारत की तरफ से टॉप में बैंकिंग में। और ग्लोबली यानी ओवरऑल इसकी रैंकिंग की बात करें तो ये पूरे विश्वभर में 176th पोजिशन पर था। और कल ही के क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडियन PSU के कैटेगरी में बात करें तो वहाँ पर टॉप किया था NTPC ने, तो ये भी याद रखिएगा। तो ग्लोबली टॉप किया है सैमसंग ने, भारत की ओर से टॉप किया HCL जो कि रहा 30वें नंबर पर, बैंकिंग में टॉप किया HDFC ने जो कि ओवरऑल रहा 176th नंबर पर, और PSU की कैटेगरी में टॉप किया है NTPC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस सियोल पीस प्राइज 2020? किसने प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक के, थॉमस बैक ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC के प्रेसिडेंट हैं, तो इन्हें दिया गया है 2020 का सियोल पीस प्राइज। और ये प्राइज दिया गया है जो सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, कौन है? इओम जय हो। तो इओम जे हो जो हैं ये सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और इन्होंने ही ये प्राइज दिया है सियोल पीस प्राइज 2020 का IOC के प्रेसिडेंट थॉमस बैक को।
और ये इन्हें अवार्ड दिया क्यों गया है? तो इन्हें अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो ओलंपिक है और खेल के द्वारा पूरे विश्व भर में शांति और फ्रेंडशिप को फैलाया है, तो इनके इस प्रयास के लिए इन्हें ये सियोल पीस प्राइज 2020 का दिया गया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी को भी ये अवार्ड मिल चुका है एक बार, और नरेंद्र मोदी जी को मिला था 2018 में, तो ये भी याद रखिएगा 2018 में दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020-23 टू हेल्प SC/ST एंटरप्रेनर्स? किस राज्य ने SC/ST उद्यमियों की मदद के लिए नई औद्योगिक नीति 2020-23 पेश की है? तभी में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी जी ने जो वहाँ की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 2020-2023 इसे रिलीज़ किया है, और इसका जो मेन फोकस होगा, इसका मेन फोकस दिया गया है जो SC/ST के एंटरप्रेनर्स हैं, जो भी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ के, स्पेशली शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के एंटरप्रेनर्स हैं जिन्हें अपना बिजनेस शुरू करना है, कुछ करना चाहते हैं, एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए और उन्हें पुश करने के लिए। तो इस पॉलिसी के अंडर में ही चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी जी ने एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया जिसका नाम जगनन्ना YSR बडुगु विकासम, जगनन्ना YSR बगुडू विकासम। तो ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसी पॉलिसी के अंडर में, और काफ़ी सारे इंसेंटिव भी अनाउंस किए गए हैं चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा, जिसमें से लगभग 1 करोड़ तक का हेल्प दिया जा सकता है जो भी अंडर प्रिविलेज और SC/ST के जो भी एंटरप्रेनर है उनको। उसके अलावा उनके बिजनेस के लिए वहाँ पे उनको लैंड अलॉटमेंट भी किया जाएगा, तो इस तरह से काफ़ी सारे इंसेंटिव भी डिक्लेयर किए गए हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और कैपिटल है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया? मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में कमल ज्ञान चंदानी जी को नियुक्त किया गया है मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, और ये जो कमल ज्ञान चंदानी जी हैं ये आपने सुना होगा PVR, तो ये PVR के CEO हैं। ओके, उसके अलावा जो SS देसवाल जी हैं इन्हें अभी हाल ही में NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। जो बिमधर प्रधान जी हैं इन्हें अभी हाल ही में NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सेक्रेटरी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, और जो अपूर्व चंद्रा हैं, अपूर्व चंद्रा को अभी हाल ही में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप मिली है भारत को 35 सालों के बाद, तो ये इम्पॉर्टेंट है, 35 सालों के बाद चेयरमैनशिप मिली है भारत को ILO की, और इसी ILO की गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किए गए हैं अपूर्व चंद्रा जी, तो चारों ही नाम इम्पॉर्टेंट हैं। और जो कमल ज्ञान चंदानी जी हैं ये रिप्लेस करेंगे दीपक आशेर को। ओके, तो इनके पहले दीपक आशेर थे मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, और उन्होंने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है, तो उनकी जगह अब नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं कमल ज्ञान चंदानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट? भारत और किस देश ने बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते यानी कि बेका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी हाल ही में भारत और अमेरिका यानी USA ने बेका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और बेका का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, बेका का फुल फॉर्म बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरक्राफ्ट ऑफ नासा हैज़ कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सनलिट सर्फेस ऑफ मून? नासा के किस विमान ने चंद्रमा की धूप वाली सतह पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है? तो नासा के सोफिया एयरक्राफ्ट ने अभी हाल ही में जो मून का सनलिट सरफेस है यानी वो सतह जहाँ पे धूप पड़ती है सूरज की, तो वहाँ पे पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है, और ये सोफिया शॉर्ट फॉर्म है, सोफिया का फुल फॉर्म है एक, इसका पूरा नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ओके, क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव रेटिफाइड एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन दैट इज TPNW? तो कितने देशों ने परमाणु हथियार निषेध कानून जो कि है TPNW पर अंतर्राष्ट्रीय संधि की पुष्टि की है? तभी हाल ही में 50 कंट्रीज़ ने अपनी रजामंदी दी है TPNW पे जो कि है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियार निषेध कानून पे उन्होंने अपनी पुष्टि दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में सबसे पहला संस्करण लॉन्च किया गया है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्टअप फोरम का। ओके, फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया है। विच कंट्रीज पोस्टल सर्विस हैज साइंड एग्रीमेंट विथ इंडिया पोस्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा? किस देश की डाक सेवा ने डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी हाल ही में यूएसए की पोस्टल सर्विस, जिसे कहा जाता है यूएसपीए यानी यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस, उन्होंने इंडिया पोस्ट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया? बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तभी हाल ही में लुइस आरके बने हैं बोलीविया के नए राष्ट्रपति। ओके, लुइस आरके। और जो वेवल राम कलावन है, ये भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने हैं सेशेल्स में। ओके, कहाँ के? सेशेल्स। उसके अलावा जो साद हरीरी हैं, साद हरीरी लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं कुछ ही दिनों पहले। ओके, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और जो मुख्तार औने हैं, मुख्तार औने कुछ ही दिनों पहले माली में नए प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो बोलीविया के प्रेसिडेंट बने हैं लुइस आरके, और ये सक्सीड करेंगे जीनी एनेस को। यानी इनके पहले राष्ट्रपति थे बोलीविया के जीनी एनेस, और अब जीनी एनेस की जगह नए प्रेसिडेंट बनेंगे लुइस आरके। और बात करें बोलीविया के बारे में, तो यहाँ की दो कैपिटल्स हैं, एक है ला पैज और दूसरी है सुक्र। ला पैज और सुक्र, करेंसी है बोलीवियानो, और प्रेसिडेंट बने हैं लुइस आरके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ पब्लिश्ड इको रैप रिपोर्ट? किस बैंक ने इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने प्रकाशित किया है इको रैप रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट की जो मेन हाईलाइट रही वो ये थी कि COVID-19 का जो पैंडेमिक आया, तो इस पैंडेमिक के दौरान जो जनधन अकाउंट्स होते हैं, ओके, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स जो हैं उनको खुलवाने में यानी नए जनधन अकाउंट खोलने में लगभग 60% का इंक्रीमेंट हुआ है। ये इस रिपोर्ट का मेन हाईलाइट था कि जनधन अकाउंट खुलवाने में 60% की बढ़ोतरी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड सुमंगल पोर्टल एंड अ वेब पोर्टल फॉर स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स? किस राज्य ने सुमंगल पोर्टल और छात्रवृत्ति के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा में शुरू किए हैं दो वेब पोर्टल। एक है सुमंगल पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया है इंटर कास्ट मैरिज के लिए, और दूसरा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके स्कॉलरशिप के लिए, और उसका नाम है उड़ीसा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल। ओके, क्या नाम है दूसरे पोर्टल का? उड़ीसा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल। तो ये दो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लेड इंडियन डेलीगेशन इन द रिसेंटली हेल्ड 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम? हाल ही में आयोजित 6th ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो अभी हाल ही में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है जो अभी हाल ही में हुई है 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम यानी कि 6th ब्रिक्स संसदीय मंच। तो वहाँ पर ओम बिरला जी ने भारत की डेलीगेशन को लीड किया है। ओम बिरला जी कौन है? ओम बिरला जी हैं लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द थर्ड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ गिनी? गिनी के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल किसने जीता है? तभी हाल ही में अल्फा कॉन्डे ने जीता है गिनी के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल, यानी कि ये पिछली दो बार से यहीं राष्ट्रपति रह रहे हैं गिनी के, और तीसरी बार फिर से इन्होंने चुनाव जीत लिया है, और ये तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं गिनी के। उनका नाम क्या है? अल्फा कॉन्डे। इसके अलावा जो सादिर जापारोव हैं, सादिर जापारोव हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। बिश्र अल खसाव ने अभी कुछ ही दिनों पहले जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और अलेक्जेंडर डे क्रू बने हैं बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री। ओके, और गिनी के प्रेसिडेंट बने हैं अल्फा कोंडे। बात करें गिनी की, तो यहाँ की कैपिटल है कोनाक्री, करेंसी है गिनियन फ्रैंक, प्रेसिडेंट बने हैं अल्फा कोंडे, और प्राइम मिनिस्टर हैं इब्राहिमा कसोरी फोफाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द DST IIESTसोलर PV हब एट शिवपुर इन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के शिवपुर में DST IIESTसोलर PV हब का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी ने इनॉग्रेशन किया है DST IIESTसोलर PV हब का, और इसका इनॉग्रेशन किया गया है वेस्ट बंगाल के शिवपुर में। ओके, और ये शिवपुर कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव विल ऑर्गेनाइज इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन, दैट इज़ IAS। भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन यानी कि IAS कौन आयोजित करेगा? तभी हाल ही में नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन ऑर्गेनाइज कराएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन, जिसे शॉर्ट में कहा गया है IAS। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे सर्कुलर इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है? तो सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि जो भी वेस्ट होते हैं उनका रिडक्शन करता है, जितने भी तरह के रिसोर्सेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि कम से कम वेस्ट जो है डेवलप हो, और अगर कोई वेस्ट हो रहा है तो उसको दोबारा से यूज़ में लाया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है इसे कहा जाता है सर्कुलर इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अलाउड 30% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन एज गार्ड्स इन फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज? किस राज्य ने फायर एंड रेस्क्यू सेवाओं में गार्ड के रूप में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की अनुमति दी है? तभी केरला सरकार ने केरला की महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया है जो फायर और रेस्क्यू सर्विसेज है वहाँ पे गार्ड्स के लिए, यानी जो फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज है केरला की, वहाँ पे अब वुमेन्स को भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा, वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा वुमेन्स का, और उसके लिए ही 30% का रिजर्वेशन दिया गया है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी ऑफ VO चिदम्बर नार पोर्ट ट्रस्ट इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में VO चिदम्बर नार पोर्ट ट्रस्ट की डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग इंडिपेंडेंट चार्ज मनसुख मांडवी जी ने इनॉग्रेट किया है डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी का, और कहाँ पे किया है? VO चिदम्बर नार पोर्ट ट्रस्ट जो कि है तमिलनाडु में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड? किस राज्य सरकार ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष शुरू किया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने वहाँ पे शुरू किया है यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड यानी कि युवा अधिवक्ता कल्याण कोष, और यह स्कीम लॉन्च की गई है लॉ फील्ड के फ्रेशर्स के लिए। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉ कॉलेज से अभी अभी अपनी जस्ट पढ़ाई ख़त्म की है तो उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई है, तो उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो लॉ कॉलेज से पास आउट हुए हैं, तो एक्चुअली में उन्हें कुछ दिनों तक अंडर ट्रेनिंग रहना पड़ता है, और उस टाइम पे जो भी ऐसे पीपल्स हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें को फाइनेंशियली असिस्टेंस देने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत जो लॉ कॉलेजेस के फ्रेशर्स हैं जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन स्ट्रांग नहीं है तो उनको 2 सालों तक 3,000 रुपये तक का फाइनेंशियली असिस्टेंस दिया जाएगा तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइंड $1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन? किस बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन के लोन एग्रीमेंट पे साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट? किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी, ताकि जो वहाँ के बच्चे हैं और जो महिलाएँ हैं उनको और भी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर इन महाराष्ट्र एंड झारखंड? महाराष्ट्र और झारखंड में आदिवासी कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ किसने किया है? तभी हाल ही में ट्राइबल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इनॉग्रेशन किया है, उसे लॉन्च किया है, और इन 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, एक तो महाराष्ट्र में और एक झारखंड में। ओके, और इन दोनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया गया है जो भी आदिवासी जनजातियाँ हैं उनके कल्याण के लिए, यानी ट्राइबल वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस? किसने परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व नामक वर्चुअल त्यौहार लॉन्च किया है?
अभी हाल ही में भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया है परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। और इस जो फेस्टिवल है इसे आयोजित किया जाता है नाट्य तरंगिणी के, नाट्य तरंगिणी, और इस फेस्टिवल का ये ऑर्गेनाइज कराती है नाट्य तरंगी इन पार्टनरशिप विथ यूनाइटेड नेशंस। तो नाट्य तरंगिणी और यूनाइटेड नेशंस मिलके इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराते हैं और पिछले 23 सालों से इस फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन ये कराते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एमिड कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए किस भारतीय संगठन ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार जीता है? तभी हाल ही में ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन यानी कि GHE ने जीता है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, और इसे ये अवार्ड दिया गया है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन शिप बिल्डिंग फैसिलिटी हैज साइंड MOU विथ इटलीज फिनकैंटियरी इन शिपिंग इंडस्ट्री। किस भारतीय जहाज निर्माण सुविधा ने शिपिंग इंडस्ट्री में इटली के फिनकैंटियरी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी हाल ही में भारत के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इटली की फिनकैंटियरी के साथ MOU साइन किया है, और ये MOU साइन किया गया है शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, यानी इस MOU के तहत जो दोनों देश हैं, दोनों ही देशों की ये जो शिप बिल्डिंग वाली फैसिलिटीज़ हैं, तो दोनों ही शिप बिल्डिंग फैसिलिटीज़ के बीच में कोऑपरेशन होगा। कौन कौन से एरिया में? एक तो शिप डिज़ाइन के एरिया में, दूसरा होगा शिप बिल्डिंग, तीसरा हो गया शिप रिपेयर, उसके बाद जो मरीन इक्विपमेंट्स होते हैं समुद्री जहाज़ के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करना, उसके अलावा जो भी मरीन के फील्ड में ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट दी जाती है, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, तो ये चीज़ें भी, इन चीज़ों में भी कोऑपरेशन किया जाएगा दोनों ही फैसिलिटीज़ के बीच में। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने MOU साइन किया है इटली की फिनकैंटियरी के साथ, और किस लिए साइन किया है? शिप डिज़ाइन, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट में कोऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज द इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ रिपोर्ट। भारत में इलेक्ट्रिक एक्सेस और बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ रिपोर्ट किसने जारी की है? तो हाल ही में नीति आयोग ने जारी की है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ रिपोर्ट, नीति आयोग, और नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में बिमल जुल्का जी को एज अ चेयरमैन नियुक्त किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी कि FIFS के नए चेयरमैन बने हैं बिमल जुल्का। इसके अलावा जो कमीर अहमद साकिर हैं, ये अभी हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO बने हैं। जो मनोज कुमार हैं, ये अभी हाल ही में जो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है, वेस्टर्न्स कोलफील्ड लिमिटेड, यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD के रूप में नियुक्त हुए हैं। और जो विशाल वर्मा हैं, विशाल वर्मा अभी हाल ही में यूनेस्को में भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नियुक्त हुए हैं, और FIFS के चेयरमैन बने हैं विमल जुल्का, और इन्होंने रिप्लेस किया है जॉन लोफैगन को, जॉन लोफैगन जो कि 3 सालों से चेयरमैन थे FIFS के, और अब जॉन लोफैगन की जगह आ गए हैं विमल जुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बीन नेम्ड एशिया सेफेस्ट बैंक फॉर द 12th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। कौन सा बैंक लगातार 12वें वर्ष के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है? तभी हाल ही में DBS बैंक बना है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक यानी एशिया सेफेस्ट बैंक, और लगातार 12 साल से यही बनता आ रहा है एशिया का सेफेस्ट बैंक, यानी इस साल ये 12वीं बार बना है। विच कंट्री हैज़ होस्टेड 19th मीटिंग ऑफ SCO मिनिस्टर्स फॉर फॉरन इकोनॉमी एंड फॉरन ट्रेड एक्टिविटीज़।
किस देश ने SCO के विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार गतिविधियों के मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी की है? तो अभी हाल ही में इंडिया ने होस्ट किया है 19th मीटिंग ऑफ SCO मिनिस्टर्स फॉर फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज़। इसके साथ ही एक और मीटिंग हुई जो SCO है यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई थी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई थी और इस मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी ने भारत को रिप्रेजेंट किया है SCO के हाल ही में हुई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग में। और जो मीटिंग हुई 19वीं SCO मिनिस्टर्स फॉर फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज़, यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया था भारत के यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने। पीयूष गोयल। तो दो मीटिंग रिसेंट में हुई हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज़ की मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया पीयूष गोयल जी ने और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया है नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट नेशनल यूनिटी डे वॉज ऑब्जर्व, निम्नलिखित में से किस दिन एकता दिवस मनाया गया? तो हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत में नेशनल यूनिटी डे यानी कि एकता दिवस। और 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 31 अक्टूबर को, तो भारत में मनाया जाता है एकता दिवस। और इस साल इनकी 145वीं यानी 145th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो अक्टूबर का मंथ अब ख़त्म हो चुका है, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं अक्टूबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज पड़े हैं अभी तक। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे और इस साल ये पहली बार ही मनाया गया है। शायद मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, इसके लिए थीम थी पेंडेमिक्स डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। 2 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स, उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जिसे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, इसके लिए थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया गया नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, इसकी थीम थी रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। उसके बाद 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे, उसके बाद 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया गया वर्ल्ड स्पेस वीक जिसकी थीम थी सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ। 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे जिसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। उसके साथ ही 5 को ही मनाया गया वर्ल्ड हैबिटेट डे जो कि अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है और इसकी थीम थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। और इसके साथ ही मनाया गया गंगा रिवर डॉल्फिन डे। 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे। 8 को मनाया गया इंडियन एयरफोर्स डे, उसके साथ ही वर्ल्ड साइट डे जो कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इसकी थीम थी होप इन साइट। 9 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे और वर्ल्ड एग डे। 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया गया नेशनल पोस्टल वीक। 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जिसकी थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, उसके साथ ही वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। 11 को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जिसकी थीम थी माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। 12 को मनाया गया वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। 13 को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन जिसकी थीम थी डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। और 14 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जिसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आया 15 अक्टूबर, 15 को मनाया गया वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जिसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल प्रॉस्पर्टी एंड पीस। उसके साथ ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन जिसकी थीम थी बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ COVID-19। उसके साथ ही ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जिसकी थीम थी हैंड हाइजीन फॉर ऑल। 16 को मनाया गया वर्ल्ड फूड डे जिसकी थीम थी ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। 17 को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जिसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। 20 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जिसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। उसके साथ ही वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जिसकी थीम थी दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। उसके साथ ही इंटरनेशनल शेफ्स डे जिसकी थीम थी हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। 22 तारीख को मनाया गया इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे जिसकी थीम थी जर्नी ऑफ वर्ड्स रिजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। 23 को मनाया गया वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे। उसके बाद 24 को मनाया गया यूनाइटेड नेशंस डे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है अक्टूबर का क्योंकि इस साल यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की 75th एनिवर्सरी थी। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। उसके साथ ही मनाया गया वर्ल्ड पोलियो डे जिसकी थीम थी अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। उसके साथ ही मनाया गया वर्ल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन डे। उसके बाद 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मनाया गया डिसआर्मामेंट वीक।
27 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, जिसकी थीम थी योर विंडो टू द वर्ल्ड। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया गया विजिलेंस अवेयरनेस वीक, जिसकी थीम थी विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया, यानी कि सतर्क भारत समृद्ध भारत। 27 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल एनिमेशन डे। 29 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल इंटरनेट डे, उसके साथ ही वर्ल्ड स्ट्रोक डे, जिसकी थीम रखी गई थी एक वेबिनार की, वो थी गेट रेडी टू ज्वाइन द मूवमेंट। और 31 अक्टूबर को मनाया गया नेशनल यूनिटी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एक्सटेंड्स US डॉलर डैश लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन सेंट्रल एशिया। भारत ने मध्य एशिया में विकास परियोजनाओं के लिए US डॉलर डैश की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। तो इसका राइट आंसर है 1 बिलियन। ओके, तो भारत ने अभी हाल ही में 1 बिलियन US डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड किया है, ताकि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिलियन US डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द 10th राउंड ऑफ मिनिस्टेरियल UK इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। मंत्री स्तरीय UK भारत आर्थिक और वित्तीय वार्ता के 10वें दौर में किसने भाग लिया है? तो अभी हाल ही में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने पार्टिसिपेट किया है 10th राउंड ऑफ मिनिस्टेरियल UK इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग में। तो इस मीटिंग में दोनों ही साइड्स ने कोरोना वायरस के रिस्पॉन्स के ऊपर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। ओके, और उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से दोनों देशों के बीच में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, फाइनेंशियल कोऑपरेशन है, उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्स एजेंडा पे भी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च धरनी पोर्टल फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तभी हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने तेलंगाना में लैंड और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है धरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनोग्रेटेड 4th एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी फोरम। भारत ऊर्जा मंच के 4th संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत ऊर्जा मंच यानी इंडिया एनर्जी फोरम के 4th एडिशन का उद्घाटन किया है। और इस फोरम को ऑर्गेनाइज करा गया था HIS मार्केट के द्वारा, और इसके लिए एक थीम रखी गई थी। थीम थी इंडियाज़ एनर्जी फ्यूचर इन द वर्ल्ड ऑफ चेंज। ओके, थीम जरूर याद रखिएगा। थीम थी इंडियाज़ एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 एट द 5th एनुअल इंश्योरेंस इंडिया समिट। 5वें वार्षिक बीमा भारत शिखर सम्मेलन में साल की सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा कंपनी 2020 का पुरस्कार किसने जीता है? तभी हाल ही में मैक्स बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस ने जीता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का, और ये अवार्ड दिया गया था 5th एनुअल इंश्योरेंस इंडिया समिट में। ओके, तो मैक्स बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस ने जीता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। और इसे ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने COVID-19 जैसे पेंडेमिक के दौरान भी अपना जो स्टैंडर्ड है इसको मेंटेन रखा। ओके, स्टैंडर्ड मेंटेन रखा, उसके अलावा उनकी सर्विस डिलीवरी के लिए, उनकी सर्विस डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा हाई थी पेंडेमिक के टाइम पे भी, और जो कस्टमर थे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे इनके सर्विस डिलीवरी से, और इनके ट्रस्ट और इनोवेशन के लिए ये इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो इनका स्टैंडर्ड्स, इनका सर्विस डिलीवरी और इनके ट्रस्ट और इनोवेशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है मैक्स बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंड्रॉयड ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाई इंडियन आर्मी फॉर सिक्योर वॉइस टेक्स्ट एंड वीडियो कॉलिंग सर्विसेज। भारतीय सेना द्वारा सुरक्षित वॉइस टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं के लिए कौन सा एंड्रॉयड ऐप विकसित किया गया है? तभी हाल ही में भारतीय आर्मी ने SAI यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। ओके, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट यानी SAI नाम से एक सिक्योर वॉइस टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सर्विसेज के लिए एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है। ओके, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है IMS। IMS का पूरा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी बने हैं नए CIC। उसके अलावा जो उषा पाढ़ी जी हैं, उषा पाढ़ी जी
हाल ही में जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है यानी BCAS यहाँ की डायरेक्टर जनरल बनी थी और ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, तो इसलिए इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो विनोद कुमार यादव हैं ये बने हैं रेलवे बोर्ड के सबसे पहले CEO। ओके, पहली बार हुआ है कि भारतीय रेलवे बोर्ड में CEO की का पद बनाया गया है और भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले CEO बने हैं विनोद कुमार यादव जी। और जो दिनेश कुमार खारा हैं यह अभी प्रेजेंट में SBI के नए चेयरमैन बने हैं, तो इनका भी नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, दिनेश कुमार खारा जी ने रिप्लेस किया है रजनीश कुमार को, तो नए चेयरमैन बने हैं SBI के दिनेश कुमार खारा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फर्म हैज़ पार्टनर्ड विथ NSDC टू एम्पावर 1 लाख वुमेन विथ डिजिटल स्किल्स। किस फर्म ने 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए NSDC के साथ भागीदारी की है? तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत की 1 लाख महिलाओं को डिजिटली कौशल बनाने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए NSDC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और NSDC क्या है? NSDC है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।